हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे शिक्षक भर्ती 2024 विज्ञापन जारी हुए हैं। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और कुछ अदर वैकेंसीज भी हैं। डिटेल्स चेक कर लेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन, सेलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, और इसमें रिटन टेस्ट नहीं है, तो विदाउट रिटन टेस्ट सिलेक्शन होगी। जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, बाकी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी जो इंटरेस्टेड हैं वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को आपको मिलेगा, तो भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेट है वो देख चेक कर लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट है उसमें 50% होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। बाकी जो है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन रहेगी उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट 1 वैकेंसी है, एमए एंड बीएड होना चाहिए। पीजी टीचर इकोनॉमिक्स है, एमए एंड बीएड। पीजी टीचर बिजनेस स्टडीज, एम कॉम एंड बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। पीजी टीचर मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अकाउंट सब्जेक्ट के लिए एम कॉम एंड बीएड। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए एंड बीएड। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए एमएससी बायोलॉजी से एंड बीएड। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए बीए हिंदी होना चाहिए ऑल 3 इयर्स। बीएड एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, क्योंकि रेलवे का है तो सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए बीए हिस्ट्री स्लैश ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, एनी 2, एंड बीएड एंड सीटेट पेपर 2। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए बीए इंग्लिश, बीएड एंड सीटेट पेपर 2। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बी, बीटेक, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, और इसमें बीएड नहीं मांगा जा रहा है, काफ़ी ऑप्शंस है, चेक कर लें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से बीएड एंड सीटेट पेपर 2। प्राइमरी टीचर के लिए 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 12th पास 50% मार्क्स से होना चाहिए, एंड डीएड 2 इयर्स वाला डीएड या डीएलएड दोनों चलेगा, एंड सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जो भी आपको देखना हो हिंदी इंग्लिश। सेंट्रल रेलवे की तरफ से आई है नोटिफिकेशन, फिलिंग अप पोस्ट ऑफ टीचर कैटेगरी ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है सेंट्रल रेलवे स्कूल ईएम एंड जूनियर कॉलेज कल्याण। तो कल्याण डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच मुंबई सीएसएमटी। तो कल्याण जो है ना वो मुंबई में, जो कल्याण है वो महाराष्ट्र में है, मीन्स तो महाराष्ट्र में है। अब इसके लिए जो डिटेल्स है वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। दिस मे बी पब्लिश्ड इन लीडिंग लोकल न्यूज़पेपर, मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ गया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखेंगे। बट पहले जो है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के वैकेंसीज हैं, इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू इन टीचिंग कैटेगरीज। नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अप पोस्ट इन टीचिंग कैटेगरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल। तो यही है इंटरव्यू लोकेशन, वेन्यू जो है ना यहीं पर जाना होगा आपको। जो भी कैंडिडेट कल्याण जा सकते हैं, सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल ईएम एंड जूनियर कॉलेज कल्याण, यहाँ पर ही शायद जाना होगा, एक बार देख लेते हैं। फिर 16 टोटल वैकेंसीज हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। सैलरी जैसे केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को दिया जाता है, वही दिया जाएगा आपको यहाँ पर भी। इसमें आप देख सकते हैं वेन्यू यहाँ लिखा है ना, हाँ वेन्यू यहाँ पर लिखा है, इन द प्रिंस इन द चेंबर ऑफ प्रिंसिपल, तो वही जाना है, स्कूल जाना है। इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल रेलवे ईएम स्कूल, सेकेंडरी ईएम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण। और इसमें टाइमिंग दिया हुआ है 10 बजे सुबह जाना है, 10 बजे से 1 बजे तक जा सकते हैं कभी भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ये वेन्यू है 7 मई 2024 को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जितनी वैकेंसीज हैं उनके लिए 7 मई को जाना है, 7 मई को, 8 मई, 8 मई को ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए जितनी वैकेंसीज है उनके लिए वॉक इन जाना है, और प्राइमरी टीचर के लिए जो जाना चाहते हैं 9 मई 2024 को जाना है। पेज नंबर 2 पर दिया हुआ, हिंदी में भी दिया हुआ, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन देख लिया आपने पहले, देखें हिंदी में भी दिया हुआ है। सैलरी जैसे कॉन्ट्रैक्ट टीचर को देते हैं वैसे ही देंगे, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप देखेंगे 27,500 केंद्रीय विद्यालय में जैसा दिया जाता है। और रेलवे से भी अब ऐसी वैकेंसीज आने लग गई हैं, मतलब मैंने तो अभी इतने सालों में रेलवे से परमानेंट वैकेंसीज टीचिंग की देखी ही नहीं है। 26,250 रुपीज़ देंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं केंद्रीय विद्यालय में। थोड़ा नवोदय विद्यालय में थोड़ा बेटर देते हैं, बट केंद्रीय विद्यालय में जैसे देते हैं वैसे ये भी दे रहे हैं। तो
21,250 रुपीज पीआरटी के लिए। अब यहाँ पर कोई भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं दी जाती, आपको आने जाने का भी एक्सपेंडिचर होगा, तो जो आसपास रहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेलवे का है तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसकी वैल्यू होगी। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। पेज नंबर 5 पे आपको देखना है कि क्या क्या चीजें लेके जाना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मीन्स 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ले लेना, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, या फिर बोर्ड सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही मिलता है। एनओसी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, किया है कहीं, तो वो आप शो करेंगे तो अच्छा रहेगा। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितने भी हैं, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है आपको। अब इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो देखना है। एज लिमिट, हाँ, एज लिमिट 65 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं एज पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन। 12th अप्रैल 2024 को बेस लेके आपको कैलकुलेट करना है एज। 65 इयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, 65 साल तक के कैंडिडेट जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो जा सकते हैं। और इसमें पहले अप्लाई करना है, कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। द कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर टू स्टे इन मुंबई फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 days फॉर वाइवा, 3 दिन भी चल सकता है। दिस में बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग ऑन रेस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट टू नोटिफिकेशन, तो 3 दिन भी लग सकते हैं ऐसा कह रहे हैं अगर आप। इसलिए आसपास के लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाहर से भी जा सकते हैं, लेकिन 3 दिन फिर आपको स्टे करना पड़ेगा। सैलरी इतनी कम है और इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ये मांग रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े, मतलब सैलरी भी उस हिसाब से आप दे दो ना। इतनी कम सैलरी के लिए इतनी चीजें बता रहे हैं, 3 दिन रखेंगे वगैरह, तो हिंदी में भी दिया हुआ है। अभी जैसा मुझे समझ आ रहा है डायरेक्ट जाना है इसमें, फिर भी एक बार फिर से पढ़ लें। एडवर्टीजमेंट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये भी आपको लेके जाना रहेगा। ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, तो पेज नंबर 8 से लेके 9, 10, 11 पूरा जो है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट ही है। और ये आपको कैरी करना है सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन टू डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल सेंट्रल रेलवे मुंबई। ये फॉर्म आपको फिल करना है, बाकी आपको मैंने बता दिया वीडियो में ही कि क्या क्या चीजें लेके जाना है, कैसे। ओरिजिनल कैरी करेंगे तो केयरफुली कैरी करें, फोटो कॉपीज कैरी करनी होगी, लेटेस्ट फोटोग्राफ, और ये एडवर्टीजमेंट पढ़ ले। जो भी जाएंगे, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है फॉर्म, तो आप हिंदी वाला भरना चाहते हैं तो हिंदी वाला भर के जा सकते हैं, इंग्लिश वाला। और इंटरव्यू आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे देना, आपको हिंदी में भी देना है या इंग्लिश में भी देना है, जैसे आपको कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगी ये मैं बता दूँ। सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, अबाउट एस में क्लिक करेंगे। अबाउट एस में क्लिक करने के बाद आपको डिविजन्स पे क्लिक करना है। आप स्टेप्स नोट डाउन कर लें, सबसे पहले अबाउट एस में आना है, डिविजन्स में आना है। डिविजन्स में मुंबई डिवीजन पे क्लिक करेंगे, मुंबई डिवीजन में फिर और ऑप्शंस आएंगे नीचे। इसमें पर्सनल में आपको आना है, तो आप स्टेप्स नोट करते जाएं। डिवीजन, डिवीजन से मुंबई, मुंबई से पर्सनल पे क्लिक करेंगे और पर्सनल पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो फिर इसमें आपको यहाँ पर नीचे एक एडवर्टीजमेंट दिखाई देने लग जाएगी। फिलिंग अप पोस्ट ऑफ टीचर कैटेगरी ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सेंट्रल रेलवे स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको देख लेना है। तो मैंने आपको बता दिया, होम पेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। अबाउट अस पे क्लिक करना है, फिर आपको डिवीजन पे क्लिक करना है, मुंबई पे क्लिक करना है, और नीचे पर्सनल आएगा उस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देने लग जाएगी।